हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे, वर्तमान में यूपी की राजनीति है उसमें हलचल तेज है। एक विधायिका जी थी जिनका नाम है स्वाति सिंह, तो उनको मंत्रित बनाया गया। अभी स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर साइकिल चला सकते हैं, तो कमल को छोड़ के सपा का समाजवाद सीख के भाई भतीजावाद का विस्तार कर सकते हैं। इसकी चर्चा द्रुत गति से चल रही है। स्वाति से 1978 में इनका जन्म रांची में हुआ। रांची से लखनऊ तक का सफर। तेज तर्राक महिला है, गुरुचंद्र गज के श्री योग में है, लगन में केतु विराजमान है, सप्तम में राहु, इसलिए दाम्पत्य जीवन भी उतार चढ़ाव युक्त है। पति पत्नी में अनबन की बातें रोजाना देखने को मिलती रहती हैं। सूर्य नीच के हैं। अब देखिए, नीच के सूर्य, जैसे आपका नजर जाएगी नीच के सूर्य पे लगेगा राजनीति में ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकती, फिर राजनीति में इतनी ऊंचाई कैसे मिली, इसकी भी चर्चा करेंगे। विपरीत राजयोग का जलवा ही कुछ निराला है। विपरीत राजयोग ने इनको बना दिया। जब विधायक की बात करते हैं तो उनके कुंडली में जो विपरीत राजयोग होता है उनको भी एक बार विधायक बना देता है, एक बार मंत्री बना देता है, इसके बाद गायब कर देता है। तो विपरीत राजयोग ने इनको मंत्री बनाया, चर्चा में लाया। 2016 में जैसे सूर्य का अंतर, सूर्य की महादशा स्टार्ट हुई, इनको चमका दिया। 2017 में लड़े और 2022 तक इनका यही हाल रहा। वर्तमान में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये भाजपा का दामन छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ेंगी या पप्पू और प्रियंका की जोड़ी में शामिल होंगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो इनकी जो ग्रही स्थिति इसमें कह रही है, लगन भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी इसमें द्वादश भाव में चल रहे हैं। लग्न का स्वामी, कर्म का स्वामी द्वादश भाव में चल रहा है, और द्वादश भाव का स्वामी यद्यपि अपनी ही राशि में है लेकिन द्वादश भाव से द्वादश है, मतलब शनि कुंभ से कहाँ है, मकर में है। तो ये स्थितियां इस समय इनकी कुंडली में बन रही हैं। राहु केतु की बात करें तो राहु केतु इनके लिए बहुत नुकसानदायक नहीं है। मंगल की गोचरी जो स्थिति है, गोचरी स्थिति भी इनके लिए अनुकूल ही है, क्योंकि भाग भाव के स्वामी इसमें कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे, धर्म का साथ छोड़ते हुए प्रतीत नहीं हो रहे हैं। और ग्रह स्थिति की बात करें आज की, तो चंद्रमा भी अभी चले गए हैं कहां पे, कुंभ में। ओके, अब देखिए अगर आज की तत्कालिक कुंडली की बात करें तो स्थितियां इनके जो है पक्ष में नहीं है, और जो इनका चुनाव होगा वो व्यात्मक होगा, वो इनको नुकसान करेगा, इनका व्यय कर देगा, इनको खत्म कर देगा, इनका व्यय कर देगा, खत्म कर देगा। इनकी बुद्धि जो है ना खराब कर रही है इस समय जो ग्रह स्थिति। तो आज का और कल का समय, आज का कल का परसों का, तीन दिन का समय, मतलब आज बृहस्पतिवार शुक्रवार, तो बृहस्पति और शुक्रवार दो दिन ये डिसीजन हो सकता है कि भावुकता में आके ये डिसीजन ले लें कि ये सपा का दामन पकड़ेंगे, साइकिल की सवारी करेंगे, कांग्रेस का टिकट पे आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने शुक्रवार तक का समय ले लिया तो फिर ये भाजपा का दामन नहीं छोड़ेंगे, भाजपा में ही रहेंगे, भाजपा में ही रहने के पूरे योग है। यद्यपि अभी चंद्रमा जो मन का स्वामी है, द्वादश में जाके मन को आंदोलित कर रहा है, मन को दुखित कर रहा है, और लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, तो लोग भावनात्मक रूप से इनको जरूर कहेंगे कि छोड़ दीजिए, लेकिन कुंडली में स्थितियां छोड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। कारण यह है कि लग्न का स्वामी चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग में बैठा हुआ है, उच्च का है, साथ में नवम भाव का स्वामी स्वग्रही बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति धर्म विरोधी नहीं हो सकता। कुछ भी विरोध हो जाए लेकिन धर्म का विरोध नहीं करेगा, उन लोगों के साथ जाने की संभावनाएं नहीं बनती जो धर्म का विरोध करते हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं साइकिल की सवारी, नहीं फैलाएंगी समाजवाद, नहीं फैलाएंगी भाई भतीजावाद। तो ये विपरीत राजयोग का जलवा इतना निराला क्यों है, इन्हीं की कुंडली पे नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करते हैं। राधे राधे।